खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होने का दावा आज बीजेपी कर रही है और ये वर्चुअल रैली ऐसी पहली अपने आप में अनोखी रैली है जिसमें लाखों लोग घर बैठे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गोहाना से पूर्व प्रत्याशी रहे तीरथ राणा। तीरथ राणा भी अपने मोबाइल के साथ जुड़े हैं वर्चुअल रैली से। सर, इस वर्चुअल रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या मानते हैं कितना असर इसका रहने वाला है? देखिए, जिस तरह का आज देश में माहौल है कोरोना की महामारी के, इसमें हमारी पार्टी ने एक अलग लीग से हटकर जिस तरह सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और आज जैसे नेट का ज़माना है उसको ध्यान में रखते हुए वर्चुअल रैली का आयोजन किया। और मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा के इतिहास में ये पहली ऐसी रैली है जो बिना खर्चे के घर बैठे, आदमियों ने कहीं जाना नहीं, कोई ट्रैक्टरों का खर्चा नहीं, कोई गाड़ियों का खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, घर बैठे रैली हो रही है। सब अपने घरों पर बैठे हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता सभी ऑनलाइन इस रैली को से जुड़े हुए हैं, बीजेपी हरियाणा से जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन इसको देख रहे हैं। जिस तरह का आज मैं बताना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा में लगभग 1,00,000 से ज़्यादा आज इस रैली से हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। सर, मकसद क्या है, क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? एक साल की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार, एक साल पूरे होने पर ये वर्चुअल रैली रखी गई है और ये पूरे देश में रखी गई है। हरियाणा प्रदेश में भी एक रैली, पहले दो रैलियों का था, अभी तक एक रैली का आयोजन हुआ, ये पहली रैली है। और पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की एक वर्ष में जो उपलब्धियाँ हैं, जिस तरह 370 अनुच्छेद को हटाना, 3 तलाक पर राम मंदिर का फैसला आना, इस तरह के बहुत से काम पार्टी ने किए हैं, वह लोगों तक पहुंचाना। वर्चुअल रैली आज के दिन सभी घरों में है, लॉकडाउन, कहीं लॉकडाउन है कहीं खुल गया है, लेकिन घरों में लोग बैठकर आराम से इस वर्चुअल रैली से जो जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं इसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या मानते हैं सफल रहेगी? बहुत सफल रहेगी, क्योंकि आज के दिन सभी लोग घरों में हैं और नेट का खूब उपयोग कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हर जगह ये रैली आज आयोजन हो रहा है, तो आज कई लाख है आदमी आज इसको हरियाणा में देख रहे हैं और ये सफल आयोजन रहा, बहुत सफल रहेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ तीरथ राणा जी, जिन्होंने बताया कि वर्चुअल रैली जो है ये आयोजित की गई भाजपा की तरफ से। कोरोना काल में ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंस के माध्यम से इस तरह की रैलियाँ आयोजित की जाएँ और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैली के माध्यम से आपका ट्रैक्टर का खर्चा बचता है, पब्लिक जुटने का खर्चा बचता है और बड़ी बात यह कि आज ज़रूरी है कोरोना काल में कि सोशल डिस्टेंस हम मेंटेन करें, क्योंकि यही आज बड़ी बात है और ऐसे में आपको उपलब्धियां भी अपनी बतानी है और लोगों से संवाद भी करना है, तो वर्चुअल रैली शायद सबसे सार्थक एक माध्यम साबित हो रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी जानते कि कैसा लग रहा है ये वर्चुअल रैली जो भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और केंद्र सरकार की एक साल की उपलब्धियों को और हरियाणा के दूसरे प्लान की एक साल की उपलब्धियों को देखते हुए ये रैली जो है वर्चुअल रैली की है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसे जुड़े हुए हैं, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ये लोग जुड़े हुए हैं और ये उपलब्धियां जो है घर घर तक पहुंचाई जा रही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस वर्चुअल रैली के माध्यम से उपलब्धियां सरकार, प्रदेश सरकार बता रही है और जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही थी कि इतिहास की सबसे बड़ी रैली ये रहने वाली है और अभी रैली चालू है, देखते हैं कितने लोग इसके साथ जुड़ते हैं और क्या कुछ संदेश लोगों तक पहुँच पाता है। केएनएन मीडिया के लिए गोहाना से अमित सबरवाल के साथ अरुण कुमार।